निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रोय पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग एवं और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सबन्धिस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचा के लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग, उन लोगों के सामने मुझे लड़ना पड़ रहा है। एतन हन्तुमिच्छामि घ्नद्योऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किमनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि इन सबको मार के अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा, तो पृथ्वी लोगों को जीत के तो मैं क्या ही करूँगा। निहत्य धात्र राष्ट्रान का प्रीति ही स्या जनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान हंत्यतानीय। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी क्या। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् हार्य वन्तु हन्तु वयम् हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखी नः श्याम माधव। अत एव हे माधव, अपने ही बांधव धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी रह पाएंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोष द्रोहे च पापतकम कथम न गे भस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्विद्विप्रमजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों और मित्रों से विरुद्ध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कुत्सन्मधर्मोऽपि भवेत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है।